नमस्कार दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा की ब्रांच राजगढ़ सलाबतपुरा में। आज यहां पे इतने सारे लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो आइए जानते हैं इनसे यहां आने का कारण क्या है। कहां से आए हैं? कोटपुरा। आप कहां से आए हैं? मैम आज क्या है, आज आप यहां पे क्यों आए हैं? रहानी स्थापना दिवस जामे इंसा। तो आज आप क्या करने वाले हैं? असी सेवा करने आए हैं। क्या करेंगे आज आप सेवा में? लंगर की सेवा करके आए हैं और अभी करेंगे। रमनदीप कौर इंसा, हम अमला सिंह वाले बरनाला से आए। को जैसी गर्मी है वो हमारा सतगुरु के प्रति प्यार है, ठीक है, तो वो सतगुरु हमें ऐसी हिम्मत बख्शता है कि हमें गर्मी महसूस नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब हम डेरे का नाम भी लेते हैं, तो बच्चे उछल पड़ते हैं कि चलो। सबसे पहले तो बच्चे तैयार होते हैं। हमारा हमारे गुरु पर अटूट विश्वास है, हम जानते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पर कितनी संगत आई हुई है, क्योंकि उनका विश्वास है इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। और हमारा भी यहाँ पर बहुत विश्वास है, इसीलिए हमारा हमारे गुरु से प्यार है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। माय नेम इज वेदना प्रीत कौर, आई एम फ्रॉम कोटकपुरा, आई एम स्टडिंग इन प्लस टू क्लास। इस संस्था से जुड़े हुए कितने ईयर हो गए? एटलीस्ट 16 ईयर्स हो गए। ड्यूरिंग चाइल्डहुड मैं भी तो नाम शब्द ले लिया सी, और पूरी फैमिली भी नाम शब्द ले लिया हुआ उन्होंने भी, तो जो भी इतने आने बहुत ज़्यादा खुशियाँ लैके जाने, तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता भी संगत नू देख के, भी अज भी संगत ओनी दी ओनी भी गुरु जी नाल जुड़ी हुई। आप एक गर्ल हैं, आप अपने आप को यहाँ पर कितना सेफ महसूस कर रही हैं? हाँ जी मैम, हाँ जिमें तुम देखते हो भी संसार दे विच कितना ज़्यादा माहौल खराब आ। अगर गर्ल्स मतलब कि नाइट नू भी निकल दी भी इन्ने उन्होंने सेफ बिल्कुल भी नहीं है, भी इतने जिमें मर्जी भावें कल आ जाए गर्ल्स। हाँ मैं भी पहले ही रह के आई हूँ, भी थोड़े दिन सेवा तो आई सी, मैनू थोड़ियाँ हॉलीडेज मिली स्कूल तो, ते भी मैं कली गई उठे भी बहुत ज्यादा कोई भी ऐसा डर नहीं होता। जैसे कि आपके घर पे भी सभी काम आप छोड़ के क्यों आते हो? हम यहाँ आकर खुशी मिलती है, हमारे काम बनते हैं, जितनी हम सेवा करते हैं हमारा उतना ही विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैम आज आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहोगे, डेरा सच्चे सौदे से जुड़ा मानता बुलाई के कार्य कीजिए। आज यहाँ पे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे पूछते हैं यहाँ पे आकर इनको कैसा फील हो रहा है। आप यहाँ आज यहाँ पे भंडारा मना के आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको, कैसे मनाया? हमने यहाँ पे सब नाच झूम के मनाया, हमने अंदर बहुत एंजॉय किया, हमने सबने शब्द किए, शब्द गाए, और हमने सबने डांस किया। हमने गरीबों की हेल्प करी, जो जरूरतमंद थे उनको खाने कपड़े राशन और गर्मियों में जैसे जरूरत की चीज़ होती है वो दी। ओके, आपको इसने गरीबों की हेल्प करना किसने सिखाया आपको, आपके मम्मी पापा ने? नहीं, हमको संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने सिखाया है। ओके थैंक यू। जैसे कि आज हम डेरा सच्चा सौदा सलाबतपुरा में आए, तो यहाँ पे हम कई लोगों से मिले और इन लोगों से पूछा कि इन लोगों के यहाँ पे आने का कारण क्या है, और यहाँ पे हर एक उम्र वर्ग के लोग आए हुए, हर किसी का चेहरा खुशी से मुस्कुरा रहा है, तो इन लोगों ने अपनी खुशी का कारण भी बताया है और उन्होंने ये भी बताया कि उनको यहाँ पे आने से मिलता क्या है। तो हमें इन लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने हम लोगों को भी यही संदेश दिया है कि हमें अच्छे नेक मानवता भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। थैंक यू।